Surah Fatiha. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات پڑھ محمد وآل محمد بیان سے قبل یہ گزارش کہ تھوڑا میں آپ سے قریب آ گیا ہوں تھوڑا آپ مجھ سے قریب آ جائیں تب یہ بیان شروع ہوگا صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کے اوپر جزاک اللہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی آیت ہے جس میں کائنات کے خالق اور کائنات کے مالک نے یہ ارشاد فرمایا یہ اعلان فرمایا ہم نے انسان کو بہترین انداز پر پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر خلق کیا ہم نے انسان کو تخلیقی اعتبار سے کمال کے نقطۂ آخر پر رکھا دیکھیے خالق کا یہ اعلان کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز پر پیدا کیا ہے یہ خالق کا اعلان اس انسان کے بارے میں ہے جس انسان کو اس نے مٹی سے خلق کیا جیسا کہ سورہ طہٰ میں ارشاد ہوا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم انسانوں آدم کے بیٹو ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا ہے اور ہم تمہیں مٹی کی طرف واپس بلانے والے ہیں سورہ حج میں ارشاد ہوا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب انسانوں ہم نے تمہارے کچرے وجود کو تمہارے پیکر حیات کو مٹی سے تیار کیا ہے مٹی سے تعمیر کیا اور اسی لیے ہم اس جسم کو جسم خاکی کہتے ہیں ہمارے جسم کو کیا کہا جاتا ہے جسم خاکی
तो ये इंसान जिसे मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी से कल किया गया है, मिट्टी से तामीर किया गया है, उस मिट्टी की हैसियत क्या है मौजूदात आलम के दरमियान? देखिए, इंसान को मिट्टी से बनाया है खालिक ने, और मिट्टी को सिलसिले मौजूदात में सबसे अदना, सबसे कमतर, सबसे पस, सबसे अर्जल माना जाता है। हैवानात, हैवानात से पस नबातात, नबातात से पस मिट्टी पत्थर। तो ये मिट्टी जिससे इंसान के पैकरे वजूद को खालिक ने तैयार किया है, मिट्टी को मौजूदात आलम के दरमियान में सबसे अदना माना जाता है, सबसे कमतर माना जाता है। अब सवाल ये है कि मिट्टी को मौजूदात आलम के दरमियान में अदना क्यों माना जाता है, कमतर क्यों माना जाता है, पस्त क्यों माना जाता है? तो अजीजों, मौजूदात आलम के दरमियान में मिट्टी को सबसे अदना, सबसे कमतर, सबसे पस्त इसलिए माना जाता है कि इस मिट्टी के अंदर ना नूर पाया जाता है, ना शऊर पाया जाता है। मिट्टी को अदना इसलिए माना जाता है कि मिट्टी के अंदर न इरादा पाया जाता है, न इख्तियार पाया जाता है। मिट्टी को अदना इसलिए मानते हैं कि इस मिट्टी के अंदर न ताकुल पाया जाता है, न तदब्बुर पाया जाता है, न बसारत पाई जाती है, न बसीरत पाई जाती है, न शऊर पाया जाता है, न लाशऊर पाया जाता है। मेरे सामने भावनगर का मजमा है। मिट्टी को मौजूदात आलम के दरमियान में सबसे अदना, सबसे कमतर इसलिए माना जाता है कि मिट्टी के अंदर न तकल्लुम पाया जाता है, न तरन्नुम पाया जाता है, न तबस्सुम पाया जाता है, न तहय्युर पाया जाता है, न ज़ौक़े तहक़ीक़ पाया जाता है, न शौक़े तख़लीक़ पाया जाता है। मिट्टी के अंदर न इज़हारे मसर्रत है, न एहसासे गम है, इसलिए मिट्टी को सबसे कमतर मानते हैं, सबने अदना मानते हैं कि मिट्टी के अंदर न नूर, न शऊर, न इरादा, न अख्तियार, न बसारत, न बसीरत, न तकल्लुम, न तरन्नुम, न तबस्सुम, न तहय्युर, कुछ नहीं पाया जाता इस मिट्टी के अंदर जिस मिट्टी से इंसान को बनाया गया। अब मैं जुमला हदिया समाप्त कर रहा हूं। ये मिट्टी जिससे हमें बनाया गया है, इस मिट्टी के अंदर कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन कभी एक लम्हे के लिए गौर फरमा लें और सोचें वो कैसा खालिक़ो क़ादिर है जिसने ऐसी चीज से जिसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता था हमारे जैसा इंसान बना दिया जिसके अंदर सब कुछ पाया जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। वो कैसा खालिक़ो क़ादिर है जिसने ऐसी चीज से जिसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता था हमारे जैसा इंसान बना दिया जिसके अंदर सब कुछ पाया जाता है। इसीलिए आसमाने विलायत व इमामत के पांचवें मेरे दरख्शा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम पंजुम फरमाते हैं कि हर इंसान के लिए जरूरी है। अब ये यहां भी इमाम ने साहिब ईमान के लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, मुसलमान के लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। इमाम ने फरमाया हर इंसान पर वाजिब है, जरूरी है, लाजिम है कि सबसे पहले अपने खालिक की सही मार्फत हासिल करे। इसलिए कि जितना जिसकी मार्फत ज्यादा होती है उतना ही अच्छा उसका ईमान होता, और जितना अच्छा जिसका ईमान होता है उतना ही अच्छा उसका किरदार होता। इमाम के इरशाद को फिर समाप्त फरमा लें, मैं नतीजा बाद में पेश करूंगा। इमाम फरमाते हैं हर इंसान के ऊपर लाजिम वाजिब है कि सबसे पहले अपने खालिक की सही मार्फत हासिल करे। इसलिए कि जितना जिसकी मार्फत ज्यादा होती है उतना ही अच्छा उसका ईमान होता,
और जितना अच्छा जिसका ईमान होता है उतना ही अच्छा उसका किरदार होता है। अब इरशाद ईमान की सिदाकत को आप तारीख के तनाजुर में देख सकते हैं। जो मार्फत की मंजिल कमाल को पाए हुए थे और ये कह रहे थे अगर हमारे सामने से गैब के पर्दे हटा दिए जाएं तो अब यकीन और मार्फत में ज्यादती की गुंजाइश नहीं है। जिनकी मार्फत की मेराज ये थी उनका ईमान इतना अच्छा था, उनका ईमान इतना अच्छा था कि उन्हें साहिब ईमान होने की नहीं कुल्ले ईमान होने की सनद से नवाजा गया। और जिनका ईमान इतना अच्छा था उनका किरदार इतना पाकीजा था कि 1400 साल गुजरने के बाद आज भी उन्हें मुत्तकी कहकर नहीं मामूल मुत्तकीन कहकर याद किया जा रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। तो इमाम को मुत्तकी नहीं कहा जाता बल्कि इमामुल मुत्तकीन कहा जाता। मुत्तकी में इमामुल मुत्तकीन में फर्क क्या? जी सवाल कायम होता है कि मुत्तकी में और इमामुल मुत्तकीन में फर्क क्या है? तो बहुत नुमाया फर्क है। मुत्तकी की तारीफ हदीस के अंदर ये की गई, इमाम से मालूम किया गया मौला हम किसे समझे कि यह मुत्तकी है, किसे समझे कि मुत्तकी नहीं है। अपने समाज में, अपने माशरे में, अपनी बरादरी में, अपनी बस्ती में हम किसे समझे कि यह मुत्तकी है, किसे समझे कि मुत्तकी। मौला मुत्तकी की अलामत तो बता दें, मुत्तकी की पहचान बताते, मुत्तकी की कसौटी बता दें, हम किसे समझे कि मुत्तकी है और किसे समझे कि मुत्तकी नहीं। क्योंकि सवाल करने वाले ने उस वक्त इमाम से सवाल किया था और इमाम ने सुबह कयामत तक के लिए मुत्तकी की पहचान बताई। मालूम करने वाला क्या मालूम कर रहा था? मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम ये फरमाए मुत्तकी कौन है, मुत्तकी की तारीफ क्या है, मुत्तकी की अलामत क्या है। तवज्जो है आपकी? पूरे गौर के साथ समाज फरमाने अपने इमाम के इरशाद को। मालूम करने वाला मालूम कर रहा मेरे मौला मुत्तकी की अलामत क्या है, हम किसे समझे कि ये मुत्तकी है, किसे समझे कि ये मुत्तकी नहीं। इमाम ने फरमाया अपने माशरे के, अपने समाज के, अपनी बस्ती के, अपने जमाने के मुत्तकी को समझना चाहते हो, पहचानना चाहते हो तो सुनो, मुत्तकी वो है जिसकी जिंदगी के तमाम कामों को अगर मजमाए आम के सामने पेश किया जाए तो उसे अपने किसी एक अमल के ऊपर शर्मिंदा न होना पड़े। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। बालफादर एक सच्चा शिया वो है कि उसकी जिंदगी के तमाम कामों को मजमाए आम के सामने पेश किया जाए तो उसे अपने किसी एक अमल के ऊपर शर्मिंदा। मैं आपसे फिर सवाल कायम कर रहा हूं, गौर फरमाए। देखिए मुत्तकी वो है अगर उसकी जिंदगी के तमाम कामों को मजमाए आम के सामने पेश किया जाए तो उसे अपने किसी एक अमल के ऊपर शर्मिंदा ना होना पड़े। गौर फरमाए, जब मुत्तकी वो है जिसकी जिंदगी इतनी पाकीजा है तो जो इमामुल मुत्तकीन होगा उसकी जिंदगी कितनी पाकीजा होगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। बस इमामुल मुत्तकीन की जिंदगी इतनी पाकीजा होती है, इतनी पाकीजा होती है, इतनी पाकीजा होती है कि मार्फत रखने वाले मर जाना घबरा करते हैं। लेकिन फिर इमाम के किरदार की तरफ किसी बुराई को निस्बत देना भी पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते बुराई की निस्बत दी जाए इमाम की तरफ। आकिम शाम मौलाए कायनात की शहादत के बाद मदीने आए और मदीने में आने के बाद हाकिम शाम ने कहा अपने सिपाहियों से, मदीने रसूल से, सहाबी पैगंबर अली बिन हातम को तलाश करके मेरे सामने लाओ। नबी के सहाबी को जिसका नाम अली बिन हातम, उन्हें तलाश करके मेरे सामने लाओ, मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। अदीस अली को तलाश के बाद हाकिम शाम के सामने पेश किया गया सहाबी पैगंबर को। कब मुलाकात हो रही है? मौलाए कायनात शहीद हो चुके हैं। शहादत मौलाए कायनात के बाद हाकिम शाम मदीने आया है
और अली को अपने सामने बुलाने के बाद सवाल कर रहा, अली तुमने अली को भुलाया कि नहीं भुलाया? देखिए मौलाए कायनात शहीद हो चुके हैं, शहीद किए जा चुके हैं। शहादत मौलाए कायनात के बाद अली के शिया से हमी खातिम शाम सवाल कर रहा है, अली जरा ये बताओ तुमने अली को भुलाया कि नहीं भुलाया, तुम अली को भूले कि नहीं भूले? अली ने मुस्कुरा कर कहा, हातिम शाम अली भुलाने के लायक नहीं है, अली इस लायक नहीं है कि उनको भुला दिया जाए। हातिम शाम ने कहा, अली भुलाने के लायक क्यों नहीं है? अली भुलाने के लायक क्यों नहीं है? तुम कह रहे हो अली भुलाने के लायक नहीं है। अली मुस्कुरा कर कहा, हातिम शाम इसलिए कि नबी ने फरमाया है अली का जिक्र इबादत है, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अली भुलाने के लायक नहीं है इस लायक के हम वक्त अली को याद रखा जाए, अली का जिक्र इबादत है नबी ने फरमाया। जवाब सुनने के बाद हातिम शाम ने दूसरा सवाल किया, अली अली से इतना मोहब्बत क्यों करते हो? ये दूसरा सवाल था। क्या सवाल था? अली अली से इतना मोहब्बत क्यों करते हो? इमाम के शिया ने फरमाया, हातिम शाम हम अली से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि नबी ने फरमाया है अली की मोहब्बत ईमान है, अली से दुश्मनी कुफ्र और निफाक है, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। नबी ने फरमाया है अली की मोहब्बत ईमान है, अली से दुश्मनी कुफ्र और निफाक है। आदी हम तुमसे इसी ज़ैल में एक सवाल और करना चाहते हैं, तुम अली के बहुत करीब रहे हो, मस्जिद में भी, मैदान जंग में भी, सफर में भी, हजर में भी, तुम अली से बहुत करीब रहे हो, तुमने अली को बहुत करीब से देखा। अली जरा ये बताओ तुम अली के किरदार की कौन सी ऐसी अच्छाई है जिससे सबसे ज्यादा दोस्त रखते हो? जी हातिम शाम सवाल कर रहा है, अली तुमने अली को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब रहे हो अली के, जरा ये बताओ अली के किरदार की कौन सी ऐसी अच्छाई है जिसे सबसे ज्यादा दोस्त रखते हो, पसंद करते हो? अली ने मुस्कुराकर कहा, अमीर शाम हम इमाम के किरदार की इस अच्छाई को सबसे ज्यादा दोस्त रखते हैं कि अली इमाम आदिल थे, इमाम जालिम न थे, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अली इमाम आदिल थे, इमाम जालिम नहीं थे। और हाकिम शाम सुनो, इमाम आदिल वही हो सकता है जो मर्द सजा हो, एक बहादुर इंसान ही आदिलाना फैसला दे सकता है। कमजोर इंसान अगर आदिलाना फैसला दे भी देता है तो किसी के दबाव में आने के बाद बदल भी देता है, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अली इमाम आदिल थे। और आदिलाना फैसला वही दे सकता है जो मर्द सजा हो, कभी बुजदिल इंसान जो है आदिलाना फैसला नहीं दे सकता, और अगर दे भी देता है तो किसी के दबाव में आने के बाद बदल भी देता। हातिम शाम ने सुना, कादी तुम अली को इमाम आदिल कह रहे हो, तुम अली को इमाम आदिल मान रहे हो? कहा बेशक। कहा अली, अली ने किसी के साथ इंसाफ किया हो तो किया हो, लेकिन तेरे साथ अली ने इंसाफ नहीं किया। हातिम शाम ने कहा, अली तुम अली को इमाम आदिल कह रहे हो, मानते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अली ने किसी के साथ इंसाफ किया हो लेकिन तेरे साथ अली ने इंसाफ नहीं किया। और वो इस तरह से कि जंगे सफीन में अली ने तेरे बेटों को, तीन बेटों को अपनी फौज में आगे रखा जो मेरे सिपाहियों के हाथों कत्ल हो गए,
और अली ने अपने बेटों को फौज में पीछे रखा जो कत्ल होने से बच गए। लेकिन अली के तीन बेटे मौलाए कायनात की फौज के बहादुर सिपाही जो तीनों दंगे सिफिन में दर्जा शहादत पर फायज हुए, उसी गम को याद दिला रहा हाकिम शाम, अली अली ने तुम्हारे बेटों को फौज में आगे रखा जो मेरे सिपाहियों के हाथों कत्ल हो गए, तुम्हारे बेटे फौज में पीछे रह गए जो कत्ल होने से बच गए, तो अली ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। और फरमाया आपने कितना शातिर जहन था ये, कितना चालाक इंसान था। ये सवाल अमीर शाम ने हाकिम शाम ने इसलिए किया था, ये जुमला इसलिए कहा था कि ये अली का चाहने वाला अगर फरते मोहब्बत में अली को बुरा कहने के लिए तैयार नहीं है तो बेटों का गम याद दिला दो, ताकि बेटों का गम से मुतासर होने के बाद अली को बुरा कहने पर आमादा हो जाए। तो अली ने तेरे साथ इंसाफ नहीं किया, तेरे बेटे कत्ल हो गए, अली के बच्चे बच गए, तेरे साथ इंसाफ नहीं किया। जैसे हाकिम शाम ने यह कहा, अली के चेहरे पर का रंग बदला और आंखों में आंखें डालने के बाद कहा, हाकिम शाम तेरा कहना यह है कि इमाम ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, और मेरा मानना यह है कि मैंने अपने इमाम के साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए कि इमाम दुनिया से चले गए और मैं दुनिया में अभी जिंदा हूं। तकाजा मोहब्बत तो ये था, खबर शहादत सुनने के बाद मुझे मर जाना चाहिए था, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, तो मुझे मर जाना चाहिए था। कौन थे अली? मौला के मुहिब शिया। अली ने जाते जाते दुनिया को बताया कि अली का शिया जो है हालात से घबराने के बाद हक के रास्ते छोड़ा नहीं करता, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, वो हमेशा हक के साथ रहता है, हक के साथ आवाज। इसीलिए कहा गया, मौलाए कायनात ने फरमाया अपने घर के अंदर भी बच्चों के साथ अदल से काम लेना, अपने बच्चों के दरमियान में किसी चीज के तकसीम करने में या मोहब्बत करने में अदल से काम लेना, मौलाए कायनात ने फरमाया। इसलिए कि जो अपने घर के दरमियान में अदल ना कर सके वो बाहर के अदल करेगा, सरफाज लद्दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, जो अपने घर के अंदर अदल ना कर सके वो बाहर अदल क्या करेगा। आदिल बनकर जिंदगी गुजारो, जालिम बनकर जिंदगी मत गुजारो। एक रो दूसरा और आगे बढ़े सिलसिले को, पूरी अहले बैत के शियों की यही तारीख है। तारीख का जालिम तरीन इंसान हज्जाज बिन यूसुफ, इराक का गवर्नर, और ये तारीख का वो जालिम तरीन इंसान है, जब भी दस्तरखान पर किसी सामने खाना रखा जाता तो ये कैदखाने से किसी कैदी को बुलाता, मुहिब अहले बैत को बुलाता, उसी वक्त इसकी गर्दन को कलम कराता और जितना लाशा ज्यादा तड़पता उतना ही खुशी के साथ खाना खाता था। हर मर्तबा जब भी दस्तरखान पर बैठता यही मामूल था। नहीं, जुल्म का अंदाजा इससे करें हज्जाज इब्ने यूसुफ के, इसने अपने दौर इख्तदार में गवर्नरी के दौर में एक से एक लाख से ज्यादा मुहिबाने अहले बैत को कत्ल कराया, और जब इसकी मौत वाकई हुई, जब यह मरा वासिले जहन्नम हुआ, तो मालूम हुआ कि इसके कैदखानों में 80,000 अली के मुहिब और चाहने वाले जो हैं मौत और हयात की जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने कैदी थे? 80,000। जुमला और सुनेंगे आगे, तारीख लिखती है 80,000 कैदियों में 50,000 मर्द थे, 30,000 खवातीन थी। इसके जुल्म का अंदाजा और जुमले से अंदाजा लगाएं, 80,000 कैदियों में 50,000 मर्द थे, 30,000 खवातीन थीं, और इन 30,000 खवातीन में 16,000 ऐसी खवातीन थीं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था। ऐसे जालिम दौर में भी अली के चाहने वालों ने, अली के शियों ने अपने किरदार को छोड़ा नहीं, अपनी नेकी को, अपनी अच्छाई को, अपने हक के रास्ते को छोड़ा नहीं। एक रोज हज्जाज इब्न यूसुफ ने कैदखाने से कैदी को बुलाया,
जिसका नाम सईद इब्ने जुबैर, सईद के हाथों में हथकड़ियां, गले में खारदार ताव, सर और चेहरे के बाल बड़े हुए। सईद को हज्जाज के सामने खड़ा किया गया। सईद ने हज्जाज को देखा और सईद को देखने के बाद कहा, हज्जाज सईद, सुना है अली के फजाइल बयान करते हो? बिल्कुल उसी अंदाज का सवाल था। हज्जाज ने कहा, सईद अली के फजाइल बयान करते हो? सईद ने आंखों में आंखें डालने के बाद कहा, हाँ, अली के फजाइल मुझसे पहले अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने बयान किए हैं, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। मैं कोई और नहीं करता, वही करता हूं जो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने किया। अली के फजाइल तो मुझसे पहले अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने बयान किए हैं। कहा, तो सईद अब तो अली दुनिया में नहीं है, बादे अली अली की तारीफ क्यों करते हो? सईद ने कहा, हज्जाज, किसी की सच्ची तारीफ वही होती है जो उसके मरने के बाद की जाती है। ना माल का लालच होता है, ना नुकसान का खौफ होता। सुनने के बाद कहा, सईद, अली की मोहब्बत में तुम मेरे हाथ से किस तरह कत्ल होना पसंद करेगा? ये जालिम तरीन इंसान है और वो सईद से कह रहा है, सईद अली की मोहब्बत में मेरे हाथ से कितना कत्ल होना पसंद करेगा? सईद ने आंखों में आंखें डालने के बाद कहा, हज्जाज, जिस तरह कयामत में तू मेरे हाथ से कत्ल होना पसंद करे। देखिए, अली का चाहने वाला है जिसने दुनिया से जाते जाते अपने अकीदों को बता दिया, अगर तुम अल्लाह को आदिल नहीं मानते तो हम तो अल्लाह को आदिल मानते हैं, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। मैं तेरे हाथ से उसी तरह कत्ल होने के लिए तैयार हूं जिस तरह कयामत में तू मेरे हाथ से कत्ल होने के लिए तैयार। सुना, हुक्म दिया, इस अली के जाने वाले को कुबला रुख खड़ा करो, इसके बाद उसकी गर्दन को कलम करो। सईद को कुबला रुख खड़ा किया गया। जालिम तलवार लेकर बढ़ा। सईद ने बढ़ते हुए जालिम को देखा, उसके हाथ में चमकते हुए तलवार को देखा और एक मरतबा कुरान करीम की आयत की तलावत की, इन्नी वज्जह तो वजह लिल्लज़ी, मैंने तो अपना चेहरा अपने परवरदिगार की तरफ कर लिया। ये मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने लिए नहीं, खुशनूदी परवरदिगार के लिए कर रहा हूं। आयत को सुना, हुक्म दिया, इसको कबले से रुख से फिरा दो, इसका चेहरा कबले से फिराओ, उसके बाद गर्दन को कलम करो। सईद का चेहरा कबले से फिराया गया। जालिम फिर तलवार लेकर बढ़ा। सईद ने चमकती हुई तलवार को देखा और फिर कुरान करीम की आयत पढ़ी, ऐ नामा तुवल्लू समा फसम्मा वजहुल्ला, तुम चाहे जितना अपना रुख कर लो, तुम्हारा परवरदिगार तो तुम्हारे सामने है, बस तुम्हारी तवज्जो तुम्हारे माबूद की तरफ होना चाहिए, वो हर तरह मौजूद। आयत को सुना, हुक्म दिया, इसको मुंह के बल खाक पर लिटाओ। इस अली के शिया को, अली को मुंह के बल खाक पर लिटाओ, उसके बाद गर्दन को कलम करो। सईद को मुंह के बल खाक पर लिटाया गया और सईद ने कुरान करीम की तीसरी आयत पढ़ी, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, हम तुम्हें मिट्टी की तरफ वापस बुलाने वाले हैं। जी, ये भी एक अली का शिया था जिसने तलवार के नीचे जाने के बाद भी कुछ और नहीं किया, तिलावत कुरान करीम की है, हक का आवाज़ बुलंद किया है, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। और हम थोड़े से दबाव में आने के बाद, थोड़े से कोप में लाने के बाद, थोड़े से लालच के अंदर पूरे पूरे बयान को बदल देते हैं, पूरे पूरे हक पूरा से, और फिर दावा यह है कि हम भी अली के चाहने वाले। बस सिलसिले को और आगे बढ़ा लें। मंसूर गवानकी, बनी अब्बास का जालिम तरीन इंसान, फरमा रवा मंसूर गवानकी, इसने अपने कैदखाने के अंदर तमाम सादात किराम को, हसन सादात को, इमाम हसन की नस्ल से जितने सादात थे उन सबको अपने कैदखाने के अंदर मुकैद कर रखा था। हर हसनी सैयद उसके कैदखाने में कैदी था।
और कैसे कैदखाने के अंदर तारीख लिखती है कि मंसूर दबानकी ने इन सादात किराम को ऐसे कैदखाने के अंदर कैद किया था जिस कैदखाने में कैदियों को दिन और रात का पता नहीं चलता था। सूरज ने कब तुलू किया है, सूरज कब गुरूब कर गया, दिन कब आया है, रात कब आई है, किसी भी इमामजादे को सैयदजादे को दिन और रात का पता नहीं चलता था, ऐसा तारीख कैदखाना। ये आपने समाज फरमा लिया कैदखाना कैसा था जिसमें कैदियों को सूरज के तुलू और गुरूब का पता नहीं चलता था, दिन और रात की तमीज नहीं होती थी, लेकिन तारीख लिखती कि ऐसे तारीख कैदखाने के अंदर भी हर इमामजादे ने अपनी हर नमाज को उसके अव्वल वक्त पर अदा किया। नमाज सुबह अव्वल वक्त पर, नमाज ज़ोहरैन अव्वल वक्त पर, नमाज मगरबैन अव्वल वक्त पर, हर इमामजादे ने अपनी हर नमाज को अव्वल वक्त पर अदा किया। मालूम करने वालों ने मालूम किया जिन कैदियों को सूरज के तुलू और गुरूब का पता नहीं चलता था, दिन और रात की तमीज नहीं होती थी, ये कैदी नमाज के अव्वल वक्त को कैसे मालूम करते थे, ये कैसे जानते थे कि नमाज सुबह का अव्वल वक्त आ गया, नमाज ज़ोहरैन का अव्वल वक्त आ गया, नमाज मगरबैन का अव्वल वक्त आ गया, इन तादाद को अव्वल वक्त का पता कैसे चलता था। तारीख भी जवाब देती है इन कैदियों में जो हुफाज़े कुरान थे, जिन्हें कुरान करीम हिफ्ज़ था, वो मुसलसल यके बाद दीगर कुरान करीम की तिलावत करते थे और इससे मालूम करते थे कि अगर हम कुरान करीम की इतनी आयात की तिलावत करेंगे तो इतना वक्त आ जाएगा, अगर हम कुरान करीम की इतनी तिलावत कर लेंगे तो नमाज का इतना वक्त आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि शियों की तारीख यह है कि कैदखानों में रहने के बाद भी न तिलावत कुरान करीम को फरामोश किया है, न नमाज को नजरअंदाज किया है। जो हमारा माजी है वही हमारा हाल रहना चाहिए, वही मुस्तकबिल रहना चाहिए। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। बस आखिर में एक पैगाम, उसके बाद अब मसाइब। एक शिया का किरदार कैसा होना चाहिए, मुहिब अहले बैत का किरदार कैसा होना चाहिए, ये तारीख से आपने समाप्त फरमा लिया और यही इमाम का एक पैगाम है, इमाम की चाहत है जो मैं हदिया समाप्त कर रहा हूं आपके। चौथे और पांचवें इमाम के एक शागिर्द का नाम, एक चाहने वाले का नाम है अबू हमजा सोमाली। क्या नाम है? अबू हमजा। यहां भी हो सकता है मस्जिद के अंदर दुआ की किताब रखी हो, दुआए अबू हमजा सोमाली तभी है, मसाजिद में मौजूद है। क्या नाम है दुआ का? दुआए अबू हमजा सोमाली। तालीम देने वाला कौन है? चौथे इमाम। चौथे इमाम ने तालीम दी अपने इस चाहने वाले को। दुआ तालीम किसने दी है? इमाम सज्जाद ने। जी किसने तालीम दी है दुआ? इमाम। तो दुआ किसके नाम से मशहूर होना चाहिए थी? दुआए सज्जादिया होना चाहिए थी। दुआ तालीम दी है इमाम सज्जाद ने। किसको तालीम दी? अबू हमजा सोमाली को। दुआ किसके नाम से मशहूर हो रही है? जिसको तालीम दे दी। और उस सिलसिले ऊपर को देख लें, दुआए मशरूर किसने तालीम दी है? मौलाए कायनात ने एक मशरूर को, एक मफरूज को तालीम दी। तो दुआ किसके नाम से मशहूर होना चाहिए था? दुआए अलवी होना चाहिए थी, इसने कि मौला ने तालीम दी है, तालीम देने वाला है अली। लेकिन दुआ किसके नाम से मशहूर है? मशरूर। दुआए कुमैल किसने तालीम दी है? मौलाए कायनात ने। किसको तालीम दी है? कुमैल को। दुआ किसके नाम से मशहूर होना चाहिए था? दुआ अलवी होना चाहिए था। दुआ किसके नाम से है? कुमैल के नाम से। इसका मतलब है कि अहले बैत की सीरत यह है, अहले बैत का पैगाम यह है कि जो कुछ भी करो नाम के लिए नहीं, खुशनूदी परवरदिगार के लिए करो। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर।
जी और करीब होकर जुमला हलिया समाप्त कर रहा हूँ। हम अगर मस्जिद में इमाम बारगाह में थोड़ा सा पंखा, छोटा सा पंखा भी देते हैं तो पूरा सजदा लिखवाने की तमन्ना होती है, पूरा सजदा लिख दिया जाए। और अहले बैत ने अगर दुआएं भी तालीम दे दी हैं तो अपने नाम से नहीं, जिसको तालीम दे दी उसके नाम से मशहूर कराई हैं। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। तो इमाम के चाहने वाले का नाम क्या है? अबू हमजा सोमाली। चौथे इमाम के शागिर्द भी हैं, पांचवें इमाम के अहले इमामत भी हैं। एक रोज पांचवें इमाम ने अबू हमजा सोमाली को अपने पास बुलाया, अबू हमजा सोमाली हमारा पैगाम सुनो, हम तुम्हें एक पैगाम दे रहे हैं और जितना मुमकिन हो सके जहां तक पहुंचा सकते हो हमारे चाहने वालों को हमारा पैगाम पहुंचाओ। ये हम तुम्हें एक पैगाम दे रहे हैं और हमारे जितने चाहने वालों को जहां तक पैगाम पहुंचा सकते हो हमारा ये पैगाम पहुंचाओ, ये हमारी चाहत है, हमारा पैगाम हमारे चाहने वालों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। इमाम की चाहत क्या थी? उनका पैगाम उनके चाहने वालों को पहुंचे। किससे चाहा था? अबू हमजा सोमाली से, अपने जी दौड़े इमामत में। क्या चाहत थी इमाम की? उनका पैगाम उनके चाहने वालों को पहुंचे। इमाम की चाहत पूरी हुई कि नहीं हुई? क्या चाहत थी इमाम की? उनका पैगाम उनके चाहने वालों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो इमाम की चाहत पूरी हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इमाम ने अबू हमजा सोमाली से चाहा था और उसी वसीले से वो इमाम का पैगाम मैं आपको पहुंचा रहा हूं और इसके बाद भी पहुंचता रहेगा। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। इमाम की चाहत, इमाम की चाहत की सुबह कयामत तक इमाम का पैगाम चाहने वालों को पहुंचता रहेगा। अबू हमजा सोमाली नजर से मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, फरमाए क्या पैगाम है जो अपने चाहने वालों को पहुंचाना चाहते हैं। अब तवज्जो के साथ समाज फरमा लें, इमाम ने एक चाहत आपके सामने रखी है, मेरा पैगाम मेरे चाहने वालों को पहुंचाओ। अबू हमजा सोमाली का मौला क्या पैगाम पहुंचाऊं आपके चाहने वालों को? अबू हमजा सोमाली मेरे चाहने वालों को मेरा यह पैगाम पहुंचाओ, हमारे चाहने वालों तुम दुनिया की जिस आबादी में रहते हो, तुम दुनिया के जिस कारखाने में, फैक्ट्री में काम करते हो, तुम दुनिया के जिस इदारे में काम करते हो, तुम जिस मार्केट में रहते हो, तिजारत करते हो, तुम जहां भी रहते हो, जहां भी काम करते हो, तुम्हें दूसरे मजाहिब वालों से ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। तुमसे मुताल्लिक जो काम किया जाए तुम उस काम को दूसरे मजाहिब वालों से ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी से करो, ये हमारा पैगाम। और फिर इमाम ने उसकी वजह बताई, अबू हमजा सोमाली हमारे चाहने वालों से कहो तुम जहां भी काम करते हो, ऑफिस में हो, बाजार में हो, फैक्ट्री में हो, तालीमी इदारे में हो, जहां भी काम करते हो, तुम्हें दूसरे मजाहिब वालों से ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। और ईमानदार इसलिए होना चाहिए जब दूसरे मजाहिब के लोग, दूसरे मसलक के लोग तुम्हारे ईमानदारी को देखेंगे, किरदार की ईमानदारी को देखेंगे तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जिनका मुहिब ऐसा है उनका ईमान कैसा होगा। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। वो खुद ब खुद हमसे करीब आ जाएंगे कि जिनका मुहिब इतना ईमानदार है उनका ईमान कितना पाकीज़ा होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अभी हमारा इंतखाब है, चाहे हम अपनी ईमानदारी के जरिए दूसरे मजाहिब वालों को अपने इमामों से करीब कर दें या दूर कर दें। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। किरदार के जरिए दूसरे मजाहिब वाले करीब आ सकते हैं, दूसरे मसलक वाले किरदार के जरिए, किरदार की ईमानदारी के जरिए हमसे करीब आ सकते हैं और अहले बैत के करीब आ सकते हैं। बस एक जुमला कहकर बात पहुंचाकर मसाहिब को फिर कह रहा हूं,
मुगलिया सल्तनत को शिकस्त देने के बाद जब अंग्रेजों की हुकूमत इस हमारे मुल्क के अंदर मुसल्लम हो गई, मुसल्लत हो गई, पूरे मुल्क के अंदर अंग्रेजी राज हो गया, तो सहारनपुर के अंदर एक ईसाई जज की अदालत में एक मुकदमा आया। कहां? सहारनपुर, जो आज उत्तराखंड के अंदर है, पहले यूपी में था। ईसाई जज की अदालत में एक मुकदमा आया, दो फरीक आए, एक मुसलमान था, गैर मुस्लिम था। दोनों जज के सामने आए, मुसलमान ने कहा जिस बस्ती के हम रहने वाले हैं उस बस्ती में एक जमीन है जिसका मालिक मैं हूं, और ये हिंदू भाई भी दावा कर रहा कि उसका मालिक मैं हूं। जज ने इससे हिंदू भाई से मालूम किया, तुम्हारा कहना क्या है? कि नहीं, ये गलत बयानी से काम ले रहा है, जमीन का मालिक मैं हूं। दोनों जमीन के दावेदार, मुसलमान कह रहा था मैं मालिक हूं, हिंदू भाई कह रहा था मैं मालिक हूं। उस जज ने कहा कि तुम दोनों अपनी बस्ती के किसी बुजुर्ग इंसान को लेकर आओ, वो तुम्हारे बारे में बयान दे देगा जमीन का मालिक कौन है, बस्ती के जिसके पर भी तुम एतवार करते हो उसे लेकर आओ मेरी अदालत में। मुसलमान गया और बस्ती से बुजुर्ग को लेकर आया, वो इंसान को लेकर आया मुसलमान को, वो उसे अदालत में पेश किया गया। जज ने फिर मालूम किया कि तुम उस बस्ती का, जिस बस्ती के दोनों रहने वाले हैं और दोनों में झगड़ा है, ये दोनों कह रहे हैं कि जमीन का मैं मालिक हूं, जमीन का मैं मालिक हूं, तुम बस्ती के बुजुर्ग को बताओ जमीन का हकीकी मालिक कौन है। उस मुसलमान बुजुर्ग ने कहा कि जमीन का मालिक ये हिंदू भाई है, ये मुसलमान गलती पर है, जमीन का मालिक मुसलमान नहीं है, हिंदू भाई है जमीन का मालिक, ये गलत बयानी से काम ले रहा है मुसलमान। जज ने कहा, फैसला हो गया, और जज ने फैसला लिखते हुए आखिर में एक जुमला लिखा, फैसला लिखने के बाद अदालत में, वो आज भी महफूज है, कि इस मुकदमे में मुसलमान हारा है, इस्लाम जीत गया, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। मुसलमान जो हारा लेकिन इस्लाम जीत गया। तो अजीजों, मुसलमान की और शियों की जिम्मेदारी है कि चाहे अपने मजहब को, अपने मसलक को लायक नफरत बना दें या लायक इज्जत बना दें, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों, यही करबला का किरदार। करबला का तस्करा, अहले बैत का तस्करा, फजाइल व मसाइब का किसी कौम के अंदर इतना नहीं होता जितना हमारे यहां होता। तो हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारी जिंदगी उतनी पाकीजा होना चाहिए जितना ज्यादा ये जिक्र पाक हम करते हैं। और यजीदो, अगर इंसान अपनी जिंदगी अच्छे किरदार से आरास्ता कर लेता है, फिर हुसैन जैसा इमाम कहता है, जैसे जानिसार मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई को मिले। अगर किरदार अच्छाई से आरास्ता कर लेता है, तो इमाम को कहता है कि ऐसे साथी किसी को नहीं मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे भाई को मिले, ना मेरे बाबा को मिले। और फिर शब आशूर में कहा, मेरे चाहने वालों, मुझे तुम्हारी वफाओं पर एतबार है, तुम रास्ता है खुला हुआ है, तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुमसे राजी हूं, मुझे तुम्हारी वफाओं पर एतबार है, तुम जा सकते हो। और सबने क्या कहा था, मेरे मौला, क्या वफाओं का इम्तिहान लिया जा रहा है, आपको छोड़कर चले जाए? मौला जरा जाएं तो हम किस दर पे जाएं, किस घर के ऊपर जाएं? आपके दर से बेहतर कौन सा दर हो सकता है, आपके घर से बेहतर कौन सा घर? मौला, अपनी गर्दनों से अपनी तलवारों को कलम कर लेंगे, लेकिन आपके कदमों को छोड़कर नहीं जाएं। हजरत मौला इमाम ने कहा, दिल भरकर इबादत परवरदिगार कर लो, ये जिंदगी की आखिरी रात। अंसार हुसैन अपने अपने खेमे में आए, जलती हुई जमीन पर तयम्मुम किया, मुसल्ला इबादत पर बैठे,
और जब शबे आशूर कुछ गुजरी तो इमाम आली मकाम की बेटी सकीना कहती कि जब शबे आशूर को गुजरी और प्यास की शिद्दत मेरे ऊपर बढ़ी तो मैं फूफी के खेमे से उठी कि बनी हाशिम के खेमों को देखूं, शायद किसी खेमे में थोड़ा सा पानी मिल जाए। शहजादी कहती कि मैं बनी हाशिम के खेमों को देखती हुई जब उस खेमे में पहुंची जो मेरी माँ बाप का खेमा था, मैं खेमे में दाखिल हूं, मैंने अजीब मंजर देखा। मेरी माँ बाप गहवारे के करीब बैठी हुई है, गहवारे में मेरा भैया असगर है जो मचल रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है, और मेरी माँ है जो गहवारे को जुम्बिश दे रही है, गहवारे को हिला रही, शायद बच्चे को करार आ जाए। मैं रुक कर देखती रही और कुछ देर तक मेरी माँ गहवारे को हिलाती रही और असगर खामोश नहीं हुए। तो मैंने देखा मेरी माँ ने मेरे भैया असगर को गहवारे से उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया, लेकिन जब भी असगर रोते रहे, तड़पते रहे, मचलते रहे, तो मैंने देखा मेरी माँ घबरा कर मेरे भैया को सीने से लगाए हुए उठी जमीन से और खेमे के अंदर टहलना शुरू किया, शायद बच्चे को करार आ जाए। लेकिन मैंने देखा अम्मा कहती नहीं, लेकिन मेरा भैया मचलता रहा, तड़पता रहा। तो मेरी माँ ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे महबूब, उस बच्चे को कैसे करार आ जाए जिसे ना माँ का दूध मिला हो ना कतरे आम मिला। एक बार सूरह अलहम और तीन बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम हाजी महबूब भाई, मरहूम हाजी मोहसिन केशवानी साहब, मरहूम डॉक्टर कपासी साहब, अब्बास भाई, और इस तीन साल के अरसे में जमात के जो हजरात दुनिया से जा चुके हैं उनके इस आले सवाब के लिए सूरह तौहीद और सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर उसका सवाब ये साल फरमा दें। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم